संख्या से वैसे तो हमारे चिकित्सा मंत्री जी इतने सभ्य और शालीन और खूबसूरत हैं कि इनको देख के आधी बीमारियां तो सबकी दूर हो जाती है। आपका गेटअप भी इतना बढ़िया है, मगर फिर भी मैं कुछ ध्यान इस सदन का आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, पहले भी कई बजट पेश किए, एक 2019-20 में आपने बहुत बड़ा वादा किया था विशेष तौर से छोटे मोहल्लों के लिए और ग्रामीण एरिया के लिए जनता क्लिनिक। माननीय मंत्री महोदय, मेरे यहाँ पे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनता क्लिनिक की घोषणा भी 2 महीने पहले हुई है, मगर उसका अब क्या होगा वो आप ही जानें। और ये कितने खोले आप अपने रिप्लाई में ज़रूर बताएं कि अब तक 4.5 साल में आपने कितने खोले। एक बहुत बड़ी घोषणा कोविड काल में आपने करी थी कि मॉडल CSC 2021-22 में आपने घोषणा की थी कि सभी विधायक एक एक मॉडल CSC लें। सब ने गोद तो ले ली उसको, मगर उसमें होगा क्या आप ये भी बताएं कि भाई सरकार उसमें क्या करेगी। अगर माननीय सभी सदस्यों को ही करना है तो वो तो वैसे भी सभी लोग करते हैं अपना अपना सहयोग। सरकार ने बजट में ये चीज़ें अनाउंस करी है, दोनों चीज़ें बजट में करी है, इसलिए बजट का पार्ट है, कोई अन्य कोई आय का पार्ट नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय, जब आप घोषणा करेंगे तो अपने श्रीमुख से बताएंगे। हालांकि मैंने मेरे यहाँ किशनगढ़ रेनवाल को उसमें चयनित किया था और आपका पत्र मुझे मई 2022 में मिला था कि आप पैसे स्वीकृत करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने नवंबर 21 में पैसा 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करके निर्माण भी पूरा करवा दिया। फिर भी अब सरकार उसमें क्या करेगी ये आप ज़रूर बताना, उसको उपजिला बनाएंगे या अन्य कोई सुविधाएँ देंगे, क्या देंगे। एक सबसे बड़ी तकलीफ माननीय सभापति महोदय हमारे सामने है कि पूरे गाँवों में तेज़ी से हार्ट अटैक और कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और हर व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ता कि वो किस स्टेज पे है और कब उसका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। विशेष तौर से जयपुर ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, दूर दराज की तो बात ही अलग होगी। तो हम ये PSC CSC में क्या आप अच्छा काम कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई ये प्राथमिक स्तर पे लोगों को कैसे इसकी जानकारी लगे। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएँ करी साहब, स्वास्थ्य में जाँच फ्री है, आप जाँच करवा के बताइए। 2-4 जाँचों के लिए तो हम सबको फ़ोन करने पड़ते हैं तब जाँचें होती है। बताइए सरकारी हॉस्पिटल में आज जाँच कोई भी कराए दे और वो जाँच सही है, उसकी गुणवत्ता सही है, ये हम कैसे ट्रस्ट करें। आपने लगभग 700 दवाइयाँ फ्री कर रखी है, बहुत अच्छी योजना है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, मगर जो पैरासीटामोल बाज़ार में अगर 100 रुपये की मिल रही है आपको 15 रुपये में सप्लायर दे रहा है तो उसकी गुणवत्ता को हम कैसे माने। कहीं ये मुफ्त की दवाई के चक्कर में रोगी ज़्यादा बीमार तो नहीं होते जा रहे, हमको ये सोचने की आवश्यकता है। आप में से हमें से कितने लोग मुफ्त दवाई काम में लेते हैं ये भी कृपया आज बताएं। कहने से नहीं होता, केवल भाई आम जनता कोई परेशान होकर हॉस्पिटल आती है, बार बार चक्कर काटे। OPD आज की तारीख में जयपुर ज़िले में एक भी CSC ऐसा नहीं होगा जिसमें 1000 से OPD कम हो। और OPD की हालत ये है कि पर्ची कटनवाने के लिए आपने मुफ्त फ्री कर दी मुख्यमंत्री जी ने, बढ़िया किया। 10 रुपये कोई लेते थे, स्वास्थ्य के लिए सफाई का नहीं होता। आप एक काउंटर पर्ची चालू करते हैं केवल और उसमें सैकड़ों आदमियों की भीड़ होती है, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, महिलाएं भी उसमें रहती है। कम से कम 2-2, 3-3 पर्चियों की व्यवस्था तो हो। MRS की मीटिंग औपचारिकता हो गई, आपका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है उसमें विभाग का। हम 1000 बार कहते हैं, सभी जनप्रतिनिधि SDM कहते हैं भाई व्यवस्था ठीक करें। एक भी CSC में अगर 2 काउंटर 3 काउंटर में, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जयपुर की बात नहीं कर रहा, हमारे गाँव की बात कर रहा हूँ, तो आप बताइए एक एक लाइन के लिए 200-300 आदमी रहते हैं। 1000 का OPD आपके 9 से 3 का जो समय उसमें होता है, कैसे लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा। पहले तो डॉक्टर के पास जाने के लिए पर्ची में खड़ा रहे, फिर डॉक्टर के पास भीड़ रहे, फिर बाद में मुफ्त की जो दवा लेके आए, जांच करा के आए, वो काम करेगी नहीं करेगी भगवान भरोसे। अब आप ये बताइए जो ग्रामीण क्षेत्र में 9 से 3 के बाद अगर कोई डॉक्टर, अगर 60 डॉक्टरों की पोस्ट है तो 2-3 तो छुट्टी पर रहते हैं, एक का ऑफ रहता है, एक कोई ड्यूटी पर रहता है, 3 बजे बाद में आदमी कहाँ जाए, या तो उसके क्वार्टर पर जाए। आपकी क्या व्यवस्था है PSC CSC पे? PSC पे तो जहाँ सिंगल PSC है वहाँ तो अगले दिन ही खुलेगा 9 बजे, मगर CSC में ऑन कॉल की फैसिलिटी आप लोग देते हैं, मगर सारे MLA साहब बैठे हैं, बता दो रात को एक भी डॉक्टर, कोई इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिलीवरी आ जाए तो परेशान होकर फ़ोन हम लोगों को नहीं करते, तो बता दें आप। चाहे मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा कि व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, कहीं क्वार्टर्स दूर है, कहीं हॉस्पिटल के अंदर है, तो ये क्या व्यवस्था है अपनी 9 से 3 का टाइम है, थोड़े दिन बाद आप समय बदल देंगे, उसके बाद इतनी बड़ी CSC या उपजिला अस्पताल होता है उसमें कोई स्थायी डॉक्टर हर समय वहाँ मिले, उसके लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है, अपन क्या करना चाहते हैं, ये मंशा भी आप बताएं इसकी। एक दूसरा मेरा निवेदन है, मोबाइल सर्जिकल यूनिट आपकी चलती है, उसके पीछे आप हाथ धो के पड़े। आपको पता है जयपुर ज़िले में भी 5-6 कैंप लगते हैं और अभी इस साल भी जो कैंप लगे 500-500 आई के ऑपरेशन हुए हैं, वो लोग आते हैं जो किसी योजना में नहीं आते।
ना कोई चिरंजीवी उन पर लागू होती है, ना कोई डेयरी का कार्ड होता है। ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग आते हैं 80-90 साल के, जो अपने या तो वो इलाज करा नहीं सकते या अपने द्वारा ठुकराए हुए होते हैं। तो ये जो इतनी बढ़िया यूनिट आपके माननीय आंजना साहब भी कैंप लगाते हैं, आप खुद भी गए हुए हैं, आपके अंता से आने वाले माननीय मंत्री महोदय भी कैंप लगवाते हैं, हम भी लगवाते हैं यहाँ जयपुर बंदे बालाजी, तो सब लोग करते हैं। इस यूनिट को आप जिंदा रखें, राजस्थान की एकमात्र, पूरे एशिया की एकमात्र यूनिट है। और जो जितने काम ये कर सकती है, दूसरे मैं नहीं कहता कि नहीं कर सकते, मगर ये भी एक व्यवस्था है कि आज जो इतनी परंपरा चलती आ रही है, गांव में जाके आप सुविधा दे रहे हैं, वो चालू रहे। तो मोबाइल सर्जरी यूनिट के लिए मेरा निवेदन है कि उसकी बिल्डिंग को आपने कोई सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया, अच्छी बात है, मगर यूनिट खत्म ना करें। मेरा ये करबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है। और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा, मेरे यहाँ एक भी उपजिला अस्पताल नहीं है, 4-4 CHC है, तो कोई नाराजगी हमसे? आप 4 में से कोई तो खोलो, एक तो खोलो हमारे कम से कम, जिसमें ज़्यादा OPD होती है वहाँ खोलो, कोई उपखंड मुख्यालय पे है वहाँ खोलो, कहीं बिल्डिंग अवेलेबल है कहीं वहाँ खोले। माननीय साहब एक मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ सर, आधी मिनट में। मेरा इतना ही कहना है कि मेरे यहाँ हिंडोदा बंदे बालाजी और पचकोड़िया में नई PSC आप खोलें। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पधारे थे मूर्ति लोकार्पण में। एक अनंतपुरा का एक मैं छोटा सा मैटर देना चाहूँगा आपको माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। एक भामाशाह आपके यहाँ एक स्वीकृति निकली NRHM से, 41 लाख रुपए का नया PSC सेंटर खुलेगा, उप स्वास्थ्य केंद्र। आपके यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं थी, बार बार सरपंच और आपकी NM ने पत्राचार करके भामाशाह से जमीन दान करवाई, रजिस्ट्री करवा ली, माननीय राठौड़ साहब रजिस्ट्री करा ली, नामांतरण खुल गया, और उसके बावजूद फिर बाद में उस जगह निर्माण ना करके दूसरी जगह निर्माण करा दिया। मैंने आपके तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को किया, आपको किया, आप भारत जोड़ो यात्रा पर पधारे हुए थे, CMHO को कहा, ब्लॉक CMHO का, कोई सुनवाई नहीं। मतलब कौन जमीन देगा? आप घर जाके किसी को तैयार करते हो जमीन के लिए और फिर आप उसी को मना कर देते हो कि भाई आप तेरी जमीन नहीं लेंगे, दूसरी जगह लेंगे। आपने जमीन भी ले ली गरीब आदमी किसान की और उसकी क्या गलती? आप बताइए विभाग कैसे काम करता है, अब आपको सोचने की बात है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आए पिछली सरकार में बोर्ड का गठन हो गया, आप उसको मान्यता देंगे या नहीं देंगे वो भी तय करें। और बजट की बात मैं करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आप बड़ी बड़ी घोषणाएं केवल हो रही है कि पिछला बजट का आपके प्रगति प्रतिवेदन ने 40% खर्चा किया आपने दिसंबर तक, केवल 40%, तो आप कैसे आगे काम करेंगे? मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी मांगे हैं, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की नई PSC और उप जिला अस्पताल आप खोलें, और जो 9 से 3 के बाद जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था उसको कैसे ठीक करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी जरूर सुनेंगे। मैंने आपकी तारीफ भी खूब करी है, अब तो सुनेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।